निकल चुके हैं गांव भ्रमण की ओर। आज है मंगलवार का दिन। थोड़ा ग्राम देवता के मंदिर में भी जाएंगे और श्री श्री 108 घटेश्वर महादेव मंदिर की ओर भी जाएंगे और साथ में हैं दिव्यांशी और दिया। तो हम तीनों जाने वाले हैं श्री श्री 108 घटेश्वर महादेव की नगरी के साथ साथ ग्राम देवता का मंदिर। और क्या क्या कार्यक्रम अभी करंट में चल रहा है वो सारा कार्यक्रम आपको दिखाया जाएगा। तो तब तक के लिए बने रहिएगा गुरु के SB यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। ये गया गांव की ओर और ये श्री श्री 108 घटेश्वर। तो पहले हम जाएंगे श्री श्री 108 घटेश्वर महादेव मंदिर, उसके बाद हम निकलेंगे आगे ग्राम पंचायत सिम की ओर अपनी। और ये श्री श्री 108 घटेश्वर महादेव की नगरी की ओर हम निकल चुके हैं और काफ़ी शानदार दिन। आज का धूप खिली हुई, ठंड का मौसम भी है और कल हैप्पी चिल्ड्रंस लाइब्रेरी की ओर से जो यात्रा होगी आयोजित, 4 दिवसीय जो टूर है दिल्ली का, वो कल 11 बजे से शुरू हो जाएगा। तो उसकी भी आपको झांकियां दिखाई जाएंगी। तो ये घास के लूटे वगैरह जो लगे हुए हैं, यानी जो पिछले वर्ष के जो अश्विन असोज का महीना था उस महीने में जो घास इकट्ठा कर ली गई है सर्दी के लिए, क्योंकि जाड़ों का दिन है तो ज़्यादा लोग घर से निकलते नहीं हैं घास काटने के लिए, तो इसीलिए उसको स्टोर करके रखा जाता है। और ये हम श्री श्री 108 घटेश्वर महादेव नगरी की ओर जो रास्ते में निकल रहे हैं, वहाँ पर जो एकमात्र पुल है जो बहुत पहले काफ़ी, यानी कि 1957 के आसपास जो बना हुआ था आज़ादी के आसपास, तो वो पुल वहाँ पर उसके पास हम पहुँचे हैं। और सामने शानदार ये जो घास के लूटे हैं, इससे अब बालमगा लग रही है सारे लूट, तो बालमगा के घास के लूटे हैं। और ये और सामने, और देखो आज का मौसम काफ़ी शानदार, धूप खिली हुई। दिव्यांशी बार बार एग्रेसिव है कि उसको दिखाया जाए, तो हमने दिव्यांशी की ओर दिखाया और उसके बाद हम निकले हैं आगे। और यहाँ पर ये जो रौला था जब आपदा आई थी 2021 अक्टूबर के दौरान, तो ये काफ़ी भयावह इसने रूप ले लिया था। अभी भी ये पूरी तरह से सही हो नहीं पाया है। तो जो आप देख रहे हैं कि वो जो आपदा की निशानी है वो अभी तक कायम है। तो ये आपदा में जो भी नुकसान हुआ था वो अभी भी ज्यों का त्यों बना हुआ है, कि इसकी ओर से मतलब ना कोई सरकार की ओर से ना किसी भी विभाग की ओर से अभी तक इसमें कोई भी कार्रवाई हुई नहीं है। और आप देख रहे हैं कि पुल जो एकमात्र था, और वो देखो किस प्रकार से अटका हुआ है पत्थर की सपोर्ट पर, बाकी उसकी बुनियाद पूरी खाली हो चुकी है। और रैंप आप देख रहे हैं, और ये वो रास्ता है जो सस्ते गल्ले की दुकान की ओर। तो देखो ये रौला कभी इतना चौड़ा था नहीं और अब ये चौड़ा बन चुका है। और यहाँ पर पानी पहले दिखता नहीं था, अब ये पानी 24/7 आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और ये काफ़ी इतना बड़ा जो चौड़ा है, यानी कि जो ये पूरी देखिए आप, अगर हम इस कोने में खड़े होते हैं तो यहाँ से लेकर ये देखो इतना बड़ा ये पार्ट बना है 2021 से। और इसमें जो दीवार थी सेफ्टी वॉल वो अभी तक नहीं बना, कोई चेकडाम बना, कोई स्कीम नहीं है फिलहाल। तो देखते हैं क्या होता है। 108 घटेश्वर महादेव मंदिर की ओर की भी सेम सिचुएशन है, जो रौला बन गया था बीच में छिपा गधरी वाला, वो आज भी आप देख रहे हैं कि ज्यों का त्यों है, मलबा अभी भी अपनी जगह पर, कोई भी स्कीम ना क्षेत्रीय प्रतिनिधि के द्वारा कोई भी स्कीम इसके लिए है ही नहीं। तो हमें लगता है यार कहीं ना कहीं हम लोग वोट क्यों दे रहे हैं इन लोगों को। देख लीजिए आप, आज भी ये ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं सोचने की बात है, सुधारीकरण कहाँ कहाँ होता है, जहाँ होना चाहिए वहाँ हो ही नहीं रहा। तो यही है एक विडम्बना।